नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू प्रीमियम में आप सभी का स्वागत है। 16 दिसंबर 2019 के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हैं, जहां पर मेरे सारे यूट्यूब के जो वीडियोज़ हैं उनके अपडेट्स और पीडीएफ्स आते हैं। लेकिन एक मैंने अलग चैनल भी बनाया है, वो प्राइवेट चैनल है, उसका लिंक फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आप उस चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। इसमें नए चैनल में केवल एक्सक्लूसिवली यूपीएससी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की अपडेट्स रहेंगी और किसी भी चीज़ की अपडेट नहीं रहेंगी। आज का पहला सवाल डिज़ाइन काउंसिल से रिलेटेड है। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि इंडिया डिज़ाइन काउंसिल लॉन्च्ड द चार्टर्ड डिज़ाइंस ऑफ इंडिया CDI एंड द डिज़ाइन एजुकेशन क्वालिटी मार्क DEQM इन न्यू दिल्ली। इंडियन डिज़ाइन काउंसिल ने दो चीज़ों को लॉन्च किया है, पहला चार्टर्ड डिज़ाइंस ऑफ इंडिया CDI और डिज़ाइन एजुकेशन क्वालिटी मार्क। तो ये एक बेंचमार्क है, क्वालिटी मार्क है, ये दोनों लॉन्च किए गए हैं इंडिया डिज़ाइन काउंसिल के द्वारा, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये डिज़ाइन काउंसिल एक ऑटोनॉमस स्वायत्त संस्था है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो मैंने आपको हमेशा कहा है मिनिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखो कि कौन सी एजेंसी किस मिनिस्ट्री के अधीन है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल नहीं है। अभी आपको बताता हूँ किसके अधीन आता है, कॉमर्स और इंडस्ट्री में आता है, उसमें उसके अंडर आती है इंडिया डिज़ाइन काउंसिल। इसने दो नए इनिशिएटिव चालू किए हैं टू प्रमोट डिज़ाइन एजुकेशन एंड डिज़ाइन स्टैंडर्ड। दो बातें हैं, एक तो है एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये पहला वाला जो है जो इनिशिएटिव है चार्टर्ड डिज़ाइंस ऑफ इंडिया, ये रिलेटेड है एजुकेशन से, और दूसरा स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड वाला कौन सा है, डिज़ाइन एजुकेशन क्वालिटी मार्क। तो जैसे कई तरह के मार्क्स आते हैं, आप देखिए ISI मार्क होता है, कुछ सर्टिफाई करता है, तो वैसे ही किसी डिज़ाइन पे अगर DEQM का मार्क होगा, इसका मतलब वो सर्टिफाइड है बाय डिज़ाइन इंडिया डिज़ाइन काउंसिल। तो ये जो दो इनिशिएटिव हैं IDC के और NID जो अहमदाबाद में स्थित है, उससे 5 चैलेंजेस जो हैं स्केल के, क्वालिटी डिज़ाइन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर डिज़ाइन, रेजिंग द प्रायोरिटी फॉर डिज़ाइन इंडस्ट्री एंड डिज़ाइन फॉर पब्लिक पर्पस, ये सभी सॉल्व होंगे। और कुछ ही दिन पहले मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि NID अहमदाबाद के अलावा जितने भी दूसरे NIDs हैं, उन्हें भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिल चुका है। भारत में डिज़ाइन एजुकेशन काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है, और इसीलिए इस फील्ड में प्रोफेशनल्स का होना ज़रूरी है। अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके लिए लोग हॉबिस्ट या नॉन प्रोफेशनल, यानी कि जो टाइम पास में ये काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर प्रोफेशनल्स की मदद लेना चाहेंगे। और प्रोफेशनल एजुकेशन तभी होगी जब कोई प्रोफेशनल काउंसिल्स होंगी, प्रोफेशनल कॉलेजेस होंगे। तो इस ओर डिज़ाइन में भारत के कदम बढ़ रहे हैं, और आप डिज़ाइन को अंडर एस्टिमेट मत करिए, डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो आर्किटेक्चर की डिज़ाइन हो, चाहे वो बैंक नोट्स की डिज़ाइन हो, चाहे वो कपड़ों की डिज़ाइन हो, या फिर किसी लोगों की डिज़ाइन, हर डिज़ाइन की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, दुनिया में दरवाज़ों की डिज़ाइन बहुत इनएफिशिएंट है। अभी सर्च करने मत बैठना, लेकिन कभी समय मिले तो इस पर आप देखिएगा कि कई आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने नए नए तरीके के दरवाजे इन्वेंट किए हैं, क्योंकि दरवाजे कभी खुलते नहीं हैं, आपको अंदर जाना है दरवाज़ा बाहर खुलेगा, तो ये एक डिज़ाइन फ्लॉ है। तो इस तरह से डिज़ाइन पर बहुत चीज़ों पर काम चल रहा है दुनिया में, उनमें दरवाज़ों का एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। उसके अलावा लोगोज़ बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, तो लोगोज़ सिंपल होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, लोग उसे कनेक्ट कर पाएँ। रूपी का सिंबल है, तो रूपी का जो सिंबल है वो इंस्टेंटली आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए कि ये रूपी का सिंबल है या अन्य किसी करेंसी का। तो डिज़ाइन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो भारत में भी क्रिएटिव मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन इनोवेशन जो है मेक इन इंडिया के तहत बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और धीरे धीरे ये वाला लोगो बढ़ता जाएगा, डिज़ाइंड इन इंडिया। जैसे एप्पल फोन्स पे, आईफोन्स पे लिखा हुआ आता है कि डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया या डिज़ाइंड इन USA कुछ लिखा रहता है, और नीचे लिखा रहता है मेड, क्योंकि एक्चुअली वो मेड इन चाइना है सारे आईफोन्स, तो मेड इन चाइना, लेकिन उसमें लिखा ये रहता है कि डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया USA। तो इसी तरह से सरकार की कोशिश है कि डिज़ाइन इन इंडिया भी एक वैसी प्रेस्टीज कैरी करे जैसा डिज़ाइन इन USA करता है। इंडिया डिज़ाइन काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आती है, उसमें भी एक डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उसके अधीन ये आती है। ये भारत की नेशनल स्ट्रेटेजिक बॉडी है मल्टीडिसिप्लिनरी डिज़ाइन के लिए, और 2007 में भारत ने एक नेशनल डिज़ाइन पॉलिसी जारी करी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत उन चुनिंदा देशों में से है दुनिया में जिसने अपनी एक नेशनल डिज़ाइन पॉलिसी जारी करी हुई है, और इसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, इंडिया डिज़ाइन काउंसिल का। तो पॉलिसी बना दी सरकार ने, इंप्लीमेंट कौन करेगा, इंडिया डिज़ाइन काउंसिल। तो IDC काम करेगी गवर्नमेंट संस्थाओं के साथ, डिज़ाइन कम्युनिटी, इंडस्ट्री के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, ताकि डिज़ाइन को प्रमोट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2, इन देशों में से कौन से देश चाय के उत्पादक हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर मेजर टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो हमारे पास 5 देशों के नाम हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, केन्या।
अब सोचिए ऐसा सवाल आ जाता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में और आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेट से आपने चाय के बारे में नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर, लेकिन आप इतना तो कॉमन सेंस से आप ध्यान लगा सकते हैं कि चाय भारत में असम और दार्जिलिंग में उगती है, स्लोप वाला एरिया है, हिमालय हिमालय के पर्वतों में पहाड़ों में ये एरियाज हैं, हिल स्लोप्स हैं, बारिश अच्छी होती है, लश ग्रीन है, एटलीस्ट कहीं ना कहीं फोटो में एड्स में देखा होगा। तो ऐसे में आप दिमाग लगाइए, देखिए एक कंट्री को तो आप डायरेक्टली इसमें कैंसिल कर सकते हो, अफगानिस्तान को, क्योंकि इन चारों देशों में, बाकी के चारों देशों में फिर भी इस तरह का क्लाइमेट या इस तरह के पहाड़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान में नहीं मिलेंगे। अफगानिस्तान में इस तरह के लश ग्रीन एरियाज नहीं है, इतने बारिश वाले एरियाज नहीं है। तो अगर आप केवल चौथे ऑप्शन को भी आप रिजेक्ट कर देते हो तो दो ऑप्शन तो आपके पूरी तरह कैंसिल हो गए, बी और डी कैंसिल है। अब आपको ए और सी में से चुनना है, तो 1, 2, 3 और 1, 3, 5। तो यहाँ पे देखिए 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 और 5 पर मामला अटकता है। तो पाकिस्तान और केन्या में अब आपको चूज करना है। क्या आपको पता है? अब देखो यहाँ पे एटलीस्ट एक एजुकेटेड गेस से आप दो ऑप्शंस को माइनस कर सकते हो। तो क्या आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान में बहुत फेमस चाय आती है? नहीं आती है। पाकिस्तान में चाय की खेती नहीं होती है। मेजर कंट्री 1, 3, 5 यहाँ पर हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और केन्या है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चाय की खेती नहीं होती। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको बताया है कि पहले आपको ये समझ में आए कि एजुकेटेड गेस वर्क आप कर सकते हैं ऑप्शंस को दो में करने के लिए, चार में से आप दो ऑप्शंस ला सकते हैं, और ये बहुत क्वेश्चंस में पॉसिबल है, लगभग हर क्वेश्चन में पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं है कि सभी में होता है, लेकिन लगभग सब में होता है। पर थोड़ा सा एजुकेटेड गेस के लिए एजुकेशन भी जरूरी होती है। अगर आपको चाय के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो फिर ऐसे सवालों में हाथ मत डालना। जिनके बारे में आपको जीरो आइडिया है जिन टॉपिक्स में, उसमें इस तरह का गेस वर्क कभी मत करना। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तब आप ये दो ऑप्शंस को हटा सकते हैं। तो इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 दिसंबर को, और 2005 से मनाया जा रहा है। चाय उत्पादक देश कौन कौन से हैं मेजर? भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मालावी, मलेशिया, युगांडा, तंजानिया। देखो चाइना भी है, ठीक है, चाय का ओरिजिन चाइना में हुआ था और चाइना से ये दूसरे देशों में स्प्रेड हुई है। तो इंटरनेशनल टी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ऑब्वियसली बात है, चाय की खेती, चाय के ट्रेड और इन सभी बातों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, फेयर प्राइस, फेयर ट्रेड, इन सभी को सपोर्ट करने के लिए। और नई दिल्ली में 2005 में पहली बार मनाया गया था, उसके बाद अन्य देशों में भी मनाया गया है, लेकिन भारत सरकार ने 2015 में क्या किया कि इसको ग्लोबली सेलिब्रेट करवाने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की एक संस्था है FAO, उसको कहा कि आप इसे वर्ल्ड लेवल पर अडॉप्ट कीजिए। तो FAO ने ये कहा कि ठीक है, 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाएगा। तो पहले मनाया जाता था 15 दिसंबर को और अब मनाया जाता है 21 मई को, और अब ये यूएन द्वारा निर्धारित एक इंटरनेशनल डे है। तो ये केवल 4-5 देश या 10 चाय उत्पादक देश नहीं मनाते, अब ये यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप द्वारा निर्धारित एक दिन बन चुका है, और इससे पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टी डे की ख्याति फैलती है। अब ये FAO IGG क्या है? मैंने अभी जस्ट नाम लिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी। तो IGG ये एक फोरम है जो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन और एक्सचेंज करता है चाय के ट्रेड के बारे में, चाय की प्राइसेस, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कोई भी अप्रेजल हो रहा है ग्लोबल मार्केट सिचुएशन में, उसमें ध्यान में रखते हुए कोई बदलाव लाने हैं, तो ये काम इंटरनेशनल लेवल पर IGG करता है। तो इसमें जितने भी चाय उत्पादक देश हैं उनके एक्सपर्ट्स होंगे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे, और FAO के अधीन ये IGG काम करता है, और इससे सभी आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और आपस में देश एक दूसरे की पॉलिसीज़ को भी देख सकते हैं। किसी देश में पॉलिसी के लिए सुझाव देना है तो वो भी यहाँ पर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कोयले उत्पादन से रिलेटेड है। कोल मिनिस्ट्री अनाउंस दैट इट इज टू एस्टैब्लिश सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल टू प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल कोल माइनिंग। कोल मंत्रालय ने अभी अभी अनाउंस किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल बनेगा, जिसके तहत पर्यावरण को नुकसान ना हो, पर्यावरण के लिए फ्रेंडली हो, ऐसी कोल माइनिंग करी जाएगी, सस्टेनेबल कोल माइनिंग करी जाएगी, जिससे भविष्य के लिए नुकसान ना हो। सेकेंड, ये सेल माइन क्लोजर फंड भी सेटअप करेगा, यानी जो माइंस बंद करी जाती हैं उनके लिए एक फंड होगा, ये भी सेटअप किया जाएगा इस सेल के अधीन। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 15 दिसंबर को कोल मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल खुलेगा, विच विल हैव एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल कोल माइनिंग। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि देश में अब कई कोयला खदानें हैं जो बंद होने के कगार पर हैं, क्योंकि उनमें कोयला खत्म हो गया है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, या फिर कई अन्य प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक नहीं रहा है, काफ़ी डीप माइन चली गई है, तो इतना नीचे से कोयला बाहर निकालना प्रॉफिटेबल नहीं है।
तो इसीलिए कई माइंस क्लोज होती जा रही हैं. ऐसा नहीं है कि देश में कोयला खत्म हो गया है, उसकी जगह नई माइंस बनेंगी, लेकिन कई माइंस पुरानी बंद हो रही हैं. और ऐसी बंद माइंस के लिए कई को लेकर कई एनवायरमेंटल हैजार्ड्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, ताकि उसके आसपास रहने वाले लोग वहां पर आराम से रह सके, उन्हें उनके पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो. तो ये जो SDC बनेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल, ये माइन क्लोजर पर बहुत काम करने वाला है. तो ये एक नोडल पॉइंट होगा टू मिनिमाइज द एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ माइनिंग. इट विल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी, फ्यूचर पॉलिसी फ्रेमवर्क फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल मिटिगेशन मेजर्स. तो सस्टेनेबल माइन टूरिज्म की भी बातें हो रही है कि माइंस घुमाने ले जाओ लोगों को, माइन वाटर मैनेजमेंट, कई कोयले की खदानों में पानी भर जाता है, वहां पे एयर क्वालिटी, उसको मैनेज कैसे करना है, और ये सारे जो काम है ये SDC के नेतृत्व में होंगे. तो एक फंड बनेगा, माइन क्लोजर फंड. और इस सेल में इंपॉर्टेंट टास्क क्या दिए गए हैं कि देश में 2500 स्क्वायर किलोमीटर में जो कोयल माइंस हैं उनको ध्यान में रखें, उनकी स्टडी करी जाए, और वहां पर कई तरह की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी जाए, जैसे एफॉरेस्टेशन, माइंस के आसपास जंगल उगाया जाए, एयर क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए, नॉइस मैनेजमेंट पे ध्यान दें. इट विल ऑल्सो सजेस्ट रीयूज एंड रीसाइकल ऑफ ओवरबर्डन डंप्स, हेल्प द माइंस टू मैनेज टूरिज्म एंड फ्रेम पॉलिसी. और माइन क्लोजर को लेकर भी गाइडलाइंस इशू हुई थी 2012 में. इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग माइनिंग अथॉरिटी जो है वो दो प्लान पे काम करेगी. पहला होता है कॉन्करेंट माइन क्लोजर प्लान, यानी जब माइनिंग चल रही है उसी के साथ साथ भविष्य की तैयारी शुरू कर दो कि जब माइन बंद होगी तब यहाँ पर कैसे मैनेजमेंट होगा. और दूसरा फाइनल माइन क्लोजर प्लान, इसमें एक्टिविटीज शुरू होती हैं जब माइन अपने जिंदगी के आखिरी मुकाम पर है, यानी कि जहाँ पर कोयला खत्म होने वाला है, उस समय कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, वो फाइनल माइन क्लोजर प्लान है. तो दो प्लान बनाने जरूरी हैं हर कोल माइन को. और गाइडलाइंस जो हैं वो ये बताती हैं कि आप एग्जैक्ट रीजन बताइए कि क्यों बंद हो रही है माइन. एक तो लैक ऑफ डिमांड, एग्जॉशन ऑफ मिनरल्स, अन इकोनॉमिक ऑपरेशंस, फिर उसके अलावा वहाँ पर मैनेज करना होता है कई चीज़ों को, हवा, पानी, मिट्टी, तो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, टॉप सॉइल, खदान के ऊपर जो मिट्टी होती है उसे मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट ऑफ कोल रिजेक्ट्स फ्रॉम वॉशरी, डिस्पोजल ऑफ माइनिंग मशीनरी, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी. अब आप सोच रहे होंगे माइन बंद हो जाती है उसके बाद इतना सब मैनेजमेंट करने की आवश्यकता क्या है. तो देखो, भारत के अंदर माइंस बंद करने को साइंटिफिक अभी तक तरीके से नहीं किया गया था, उसके कारण कई बार हमें नुकसान भी हुआ है. जैसे आपने शायद सुना होगा झारखंड में कई सालों से अंडरग्राउंड माइंस में आग लग रही है. तो क्या होता है, माइंस में कई बार स्पॉन्टेनियस कम्बशन हो जाता है अगर उनको ठीक से बंद नहीं किया गया है. अगर कोई बचा हुआ कोयला है वो आग पकड़ सकता है, माइंस ढह सकती हैं, आसपास के लोगों के लिए खतरा है, उनके घर बने हुए हैं वो टूट सकते हैं. तो ये बहुत बड़े बड़े रिस्क हैं, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स भी हैं और लोगों के लिए भी हैजार्ड हैं. तो इसीलिए माइन क्लोजर साइंटिफिकली होना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गिव्स द क्रिस्टल अवार्ड्स, रिकॉग्नाइजेस एज वेल एज सेलिब्रेट्स द अचीवमेंट्स ऑफ लीडिंग आर्टिस्ट्स एंड कल्चरल फिगर्स हुज लीडरशिप इंस्पायर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल चेंज. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल क्रिस्टल अवार्ड्स देता है, जिसमें सेलिब्रिटीज को या आर्टिस्ट को या कल्चरल फिगर्स को अवार्ड दिया जाता है उनकी लीडरशिप के लिए, जिससे उन्होंने दुनिया को इंस्पायर किया हो, प्रेरित किया हो टूवर्ड्स सस्टेनेबल चेंज. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी भारतीय ने इस साल ये अवार्ड नहीं जीता है. तो यहाँ पर आ गया कि नो इंडियन, तो एब्सोल्यूट शब्द है, ध्यान दो यहाँ पर, नो इंडियन, ये गलत है. आंसर होगा इसका ए, ओनली वन, क्योंकि बिल्कुल ऐसा एक अवार्ड है, संस्थान कौन सा देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही देता है. यहाँ पर अगर इस स्टेटमेंट में गड़बड़ करनी होती तो ये WEF को चेंज किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हर साल डेवोस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है जनवरी में, जहाँ पर स्विट्जरलैंड में दुनिया के सारे प्रोमिनेंट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स इकट्ठा होते हैं एक हफ्ते के लिए, तो उसी डेवोस में ये क्रिस्टल अवार्ड्स भी दिए जाएंगे. तो 26th एनुअल क्रिस्टल अवार्ड दिया जाएगा 2020 में, इसके विनर्स की सूची घोषित हो चुकी है. और ये दिया जाता है आर्टिस्ट को या कल्चरल फिगर्स को जिन्होंने इंक्लूसिव और सस्टेनेबल चेंज के लिए दुनिया को इंस्पायर किया हो. और ये अवार्ड्स डेवोस में दिए जाएंगे इस साल. तो इस साल के विजेता हैं उनको घोषित किया जा चुका है, जिनमें है जिन जिंग, ये है चाइना की मीडिया पर्सनैलिटी, इन्हें रिकग्नाइज किया गया इनके कल्चरल नॉर्म्स को शेप करने के काम के कारण. थियास्टर गेट्स, ये शिकागो बेस्ड आर्टिस्ट हैं, टू क्रिएट सस्टेनेबल कम्युनिटीज, इनके प्रयास हुए हैं सस्टेनेबल कम्युनिटी के लिए. लिनेट वॉलवर्थ, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, इन्हें मिला है अवार्ड टू क्रिएट इंक्लूसिव नैरेटिव्स. दीपिका पादुकोण भारत से, इन्हें ये अवार्ड मिला है टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ. तो दीपिका पादुकोण खुद मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी बातचीत करती हैं अपने हर इंटरव्यू में. पिछले कई सालों से इन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई है, बिकॉज शी हैज़ सफर्ड फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हरसेल्फ. तो उसके बाद से इन्होंने इस पर बात करना शुरू किया और काफ़ी अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करी है, तो इसीलिए इन्हें सिलेक्ट किया गया है. तो भारत से इस वक्त, इस साल ये एक अवार्डी हैं 4 में से.
अवार्ड दिया जाएगा डेवोस में 21 से 24 जनवरी तक। इस बार डेवोस मीटिंग होगी 2020 की, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एकदम फ्लैगशिप मीटिंग होती है और इसमें हर साल जो भाषण दिए जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मोदी जी के भी जो डेवोस के भाषण हैं वो बहुत शेयर किए जाते हैं। इस बार जो थीम है, थीम अभी याद कर लो, वैसे तो जनवरी का करंट अफेयर्स है लेकिन फिर भी घोषित हो चुकी है तो आप भी पढ़ लो, स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूज़ में भी रह रहा है और इसमें समझने के लिए भी काफ़ी कुछ है। चार स्टेटमेंट हैं, ध्यान से पढ़ो चारों स्टेटमेंट को। बोगेनविल, अ चेन ऑफ आइलैंड्स इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन। बोगेनविल एक द्वीप समूह है जो हिंद महासागर में लोकेटेड है, यहां पर कॉपर माइंस बहुत फेमस हैं। तीसरा स्टेटमेंट, इट हैज बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली, अभी अभी ये ऑस्ट्रेलिया से एक आजाद देश बना है। और चौथा, यूनाइटेड नेशंस ने इसे इंडिपेंडेंस, इस इंडिपेंडेंट देश को रिकग्निशन दे दी है, यूएन हैज रिकग्नाइज इट एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये चार स्टेटमेंट हैं, आपको इनमें से सही स्टेटमेंट चूज करना है। यहां पर देखिए केवल ये वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला, बाकी तीनों गलत हैं। तो आंसर हो जाएगा ओनली टू, आंसर होगा डी, ओनली टू। गलत कैसे हैं? बोगेनविल इंडियन ओशन नहीं, पैसिफिक ओशन में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये पैपुआ न्यू गिनी से आजाद हुआ है। हालांकि पैपुआ न्यू गिनी खुद ऑस्ट्रेलिया का गुलाम था, ऑस्ट्रेलिया से इसे आजादी मिली थी 1975 में, हाँ 1975 में। यूएन रिकग्निशन इसे नहीं मिली, अभी तो केवल रेफरेंडम हुआ है, रेफरेंडम के बाद आज़ादी मिलनी भी अभी इन्हें बाकी है। अभी तो पैपुआ न्यू गिनी सरकार ने माना है कि हाँ आपके ज़्यादातर लोग आज़ादी चाहते हैं, अब हम इस पर विचार करेंगे, तो ऑफिशियली आज़ादी मिलने में अभी कुछ साल लगेंगे, पॉसिबली 3 से 4 साल भी लग सकते हैं, ये ध्यान देना। तो मैं कई जगह देखता हूँ कि लोग लिख रहे हैं कि बोगेनविल दुनिया का सबसे लेटेस्ट नया देश बन चुका है, ऐसा नहीं है, अभी देश बना नहीं है, ये ऑटोनॉमस रीजन ऑफ बोगेनविल है। पैपुआ न्यू गिनी यहाँ पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया से उत्तर की तरफ, और न्यू गिनी के अंदर ही इस आइलैंड चेन को पहले से स्वायत्तता दे रखी है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि आज़ाद देश है पूरा, लेकिन कई काफ़ी हद तक स्वायत्तता दे रखी है, इसीलिए इसको ऑटोनॉमस रीजन कहते हैं। और अब बोगेनविल ने कहा है कि हमें आज़ाद होना है, तो ये है पैपुआ न्यू गिनी और ये है वो आइलैंड जो बोगेनविल में आते हैं। तो मेनली एक बड़ा आइलैंड है और बाकी कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं, तो वैसे ये आइलैंड चेन भी नहीं है, मतलब 3-4 आइलैंड्स हैं इसमें, लेकिन ऐसे नहीं है कि इंडोनेशिया की तरह बहुत बड़ा आर्किपेलाजो है। ओके, तो ये कहाँ पर स्थित हो गया, पहले तो याद रखना है पैसिफिक ओशन में है। ओके, पैसिफिक ओशन या सोलोमन सी का भी नाम पूछा जा सकता है आपसे, सोलोमन सी है, पैसिफिक ओशन है, इन दोनों के नाम आप याद रखिएगा। तो ये रिसेंटली रेफरेंडम हुआ है इस देश के अंदर, 85% वोटर टर्नआउट था और लगभग ज़्यादातर सभी लोगों ने ऑलमोस्ट कहा है कि हमें आज़ादी चाहिए। तो पैपुआ न्यू गिनी के साथ इनका एग्रीमेंट चला था, एग्रीमेंट हुआ था 88 में, क्योंकि उसके पहले यहाँ पर एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन थी, काफ़ी सालों तक लड़ाई चली थी, ये पैपुआ न्यू गिनी से आज़ाद होना चाहते थे लेकिन आज़ादी नहीं दी, ऑटोनॉमी दे दी पैपुआ न्यू गिनी ने, और उस सिविल वॉर में इस देश की 10% आबादी खत्म हो गई थी, तो काफ़ी हिंसक आंदोलन था ये। ये आइलैंड सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉपर माइन है जिसका नाम है पेंगुना माइन। पेंगुना दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइंस में से एक है और पैपुआ न्यू गिनी इसको छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि कॉपर का बहुत शानदार रिसोर्स है। यही एक रीज़न था कि पैपुआ न्यू गिनी इसे बिल्कुल अलग नहीं होने देना चाहता था, आज़ादी नहीं देना चाहता था। अच्छा, देश यूएन के मेंबर कैसे बन सकते हैं? मान लीजिए 2-3 साल बाद ऑफिशियली ये आज़ाद हो जाता है देश, उसके बाद ये यूएन के Chapter 2, Article 4 के तहत मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यूएन की मेंबरशिप में एक्जैक्टली ये लाइनें लिखी हुई है, मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस इज ओपन टू ऑल पीस लविंग स्टेट, पहला कीवर्ड है पीस लविंग स्टेट, विच एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशंस कंटेन्ड इन द प्रेजेंट चार्टर एंड इन जजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल एंड विलिंग टू कैरी आउट दीज ऑब्लिगेशंस। यानी कि जो देश पीस लविंग है, शांति प्रिय है और हमारे चार्टर में जो बातें लिखी गई है, यूएन के चार्टर में जो बातें लिखी गई हैं उनको मानने को तैयार है, तो हम उन्हें मेंबरशिप देंगे। द एडमिशन ऑफ एनी सच स्टेट टू मेंबरशिप इन यूएन विल बी इफेक्टेड बाय अ डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर जनरल असेंबली एक्सेप्ट करती है किसी भी नए देश को। तो पिछले तीन लास्ट जो देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस में नया जो एज अ कंट्री ज्वाइन हुए हैं वो ये हैं, 2011 में साउथ सूडान, उसके पहले मॉन्टीनिग्रो 2006 में, और ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते 2002 में। तो ये कंट्रीज लास्ट कंट्रीज थे और अब कुल मिलाकर 193 देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं। उसके अलावा देखिए कुछ ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, जो नॉन मेंबर स्टेट्स हैं या ऑब्जर्वर स्टेटस हैं, जैसे कि वैटिकन हो गया, पैलेस्टाइन हो गया, ये इन 193 देशों में नहीं आते हैं। ओके, उनका स्टेटस अलग है। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखिए थोड़े से जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं, क्योंकि इस देश की लोकेशन आप समझिए, देखिए ये है यहाँ पर चाइना, यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे यूएस अपना दबदबा बना के रखना चाहता है, यूएस का फिलीपींस
बहुत अच्छा पार्टनर है. फिलीपींस और यूएस हिस्टोरिकली अच्छे पार्टनर्स रहे हैं इस और इस एरिया में. सिक्योरिटी वाइज यूएस काफ़ी एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर उत्तर में जापान भी है. तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस ये सभी मिलकर इस एरिया में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं. लेकिन यहाँ पर कई छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो अभी आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि न्यू कैलेडोनिया है जो अभी फ्रांस के अधीन आता है. वो पहले एक रेफरेंडम करा चुका है और अब एक और रेफरेंडम कराने की बात चल रही है. तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज जा रहा है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, इन सभी ट्रेडिशनल पावर्स को जो इस क्षेत्र में अपना दबदबा वर्ल्ड वॉर टू के बाद से बनाए हुए हैं. लेकिन अब चाइना सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है. तो चाइना के लिए स्थिति अच्छी है क्योंकि जो भी नया देश होता है, आज़ाद होता है, खास करके फ्रांस, यूके, इन देशों से अलग होता है, तो चाइना तुरंत अपना पावर वहाँ पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा. चाइना उन देशों को हेल्प करेगा. इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहा जाता है कि चाइना इन छोटे देशों को बड़े बड़े लोन दे देता है, फिर ये लोन चुका नहीं पाते और बदले में चाइना को या तो एक पोर्ट दे देते हैं कि आप ये वाला पोर्ट ले लीजिए, या फिर कोई प्रोजेक्ट इन्हें संभला देते हैं, या एयरपोर्ट्स अपने चाइना के नाम कर देते हैं. तो ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की दुनिया काफ़ी निंदा करती है, बट दिस इज़ अ रियलिटी. चाइना यही कर रहा है इस वक्त पूरे दुनिया में. क्वेश्चन नंबर 6, अराकू वैली इज मेनली फेमस फॉर. अराकू वैली किस बात के लिए फेमस है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अराकू वैली है कहाँ पर, फिर आप ये बता सकते हो कि ये काजू की खेती के लिए फेमस है, कार्डामोम, या ग्रीन टी, या ग्रीन कॉफ़ी. तो चारों में से मेनली ये कॉफ़ी की खेती के लिए फेमस है. ओके, वैसे ये कई बार न्यूज़ में इसलिए भी रहता है क्योंकि यहाँ पर अवैध रूप से हेम्प का पौधा भी उगाया जा रहा था, तो 2 साल पहले उसको लेकर भी न्यूज़ में था. हेम्प, जिसे आमतौर पर हम गांजा कहते हैं, तो वो वीड जो है वो भी उगाई जाती थी यहाँ पर, उसके लिए भी अराकू वैली फेमस थी, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर काफ़ी क्रैकडाउन किया है. तो अराकू वैली कहाँ पर स्थित है? अराकू वैली है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर ग्रीन कॉफ़ी के लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है. तो ये आंध्र प्रदेश का मैप है, इसमें आप देखिए विशाखापट्टनम सबसे नज़दीकी बड़ा शहर है और यहाँ पर स्थित है अराकू वैली. ओके, तो जहाँ छत्तीसगढ़, इसके जस्ट उत्तर में छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है. तो अराकू वैली, विशाखापट्टनम सबसे बड़ा शहर है नज़दीकी. और अराकू वैली की खास बात यह है कि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का वेदर है, इट इज़ वेरी गुड फॉर कॉफ़ी. तो यहाँ पर कॉफ़ी को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है अंग्रेज़ों के समय से. तो 1898 में यहाँ पर ब्रिटिश लेकर आए थे, कॉफ़ी की खेती शुरू करी थी. उसके बाद से आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके बाद आंध्र प्रदेश गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन लिमिटेड जो सरकार ने स्थापित किया था 1956 में, ये सभी कॉफ़ी प्लांटेशंस को चला रहे हैं. 85 में आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये काम अपने हाथ में ले लिया, फिर प्लांटेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आ गया. ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. स्टेट पीसीएस वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा. आप बस इतना याद रखिए कि ईस्टर्न घाट्स में कॉफ़ी का उत्पादन होता है. ये मत सोचना कि कॉफ़ी केवल नीलगिरी या फिर दक्षिण भारत के उस हिस्से में उगाई जाती है, नीलगिरी के आसपास नहीं, कॉफ़ी अराकू वैली में भी उगाई जाती है और ब्रिटिशर्स के समय से हो रहा है. लगभग 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर कॉफ़ी को प्लांट किए हुए. क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रैंड हॉग रिसेंटली इन न्यूज इज अ एंडेंजर्ड मैमल, एंडेंजर्ड बर्ड, मॉथ, नन ऑफ द अबव. अब देखो, हॉग समझ पे, हॉग वर्ड पढ़ के आप सोच सकते हो कि ये कोई जानवर होगा, मैमल होगा, लेकिन ना तो ये कोई मैमल है, ना स्तनधारी जीव है, ना चिड़िया है, ना ही ये कोई कीड़ा है. तो स्ट्रैंड हॉग जो है ये एक कंप्यूटर बग है. इस वर्ड पे ध्यान देना, आगे समझाता हूँ क्या फर्क होता है एक वायरस में और एक बग में. तो एंड्रॉयड वल्नरेबल है टू साइबर अटैक बिकॉज ऑफ स्ट्रैंड हॉग. यानी एंड्रॉयड में कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो खराब एप्लीकेशंस हैं, उनको ये फ़ोन में इंस्टॉल करवा सकता है बिकॉज ऑफ दिस बग. तो देखिए, बग में फ़र्क क्या होता है? सॉफ्टवेयर बग ऐसा होता है कि ये अनइंटेंशनल हार्म करना चाहता है. यानी कि समझिए, एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं, आप में से ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे. एंड्रॉयड बनाने वाली कंपनी है गूगल. तो जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था तो उसमें कोई कमी रह गई. वो कमी जानबूझ के नहीं रखी गई थी, वो रह गई, अनइंटेंशनल है, यानी जानबूझ कर नहीं रखी गई थी, लेकिन वो कमी किसी ने पकड़ ली. दुनिया में बाहर भी डेवलपर्स हैं, तो गूगल का जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स है. तो ये जो कमी है, अगर ये कोई पकड़ लेता है तो उस कमी का इस्तेमाल करते हुए वो मैलवेयर बना सकता है. मैलवेयर का क्या मतलब होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मैलिशियस शब्द का मतलब होता है गलत इरादों वाला. तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं मैलवेयर. तो ये जो स्ट्रैंड हॉग है, ये एक बग है, यानी एक गलती रह गई एंड्रॉयड के अंदर, और इस गलती के कारण मैलवेयर एप्लीकेशंस डाउनलोड की जा सकती हैं आपके फ़ोन पर. और मैलवेयर एप्लीकेशन बहुत कुछ कर सकती हैं, आपसे आपका डेटा चुरा सकती हैं, आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपके फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, ये सभी चीज़ें मैलवेयर जो हैं ये निकाल कर डेटा को कहीं बेच सकते हैं या फिर अन्य काम भी कर सकते हैं. अब कई तरह के कंप्यूटर मैलवेयर होते हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर वायरसेस आर अ टाइप ऑफ मैलवेयर, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, रैनसम वेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्केयरवेयर. ओके,
सबके अपने अपने मतलब हैं. देखो रैनसम का मतलब है कि आपका फोन कोई एप्लीकेशन लॉक कर देगी और बोलेगी अगर फोन फिर से चलाना है तो इस अकाउंट में इतने पैसे डलवाइए या इस अकाउंट में इतने बिटकॉइन डलवाइए. ये होता है रैनसम वेयर, कि किसी को रैनसम करना, फिरौती मांगना किसी से. स्पाई वेयर है जो आपसे पैसे वैसे नहीं मांगेगा, केवल आपकी जासूसी करेगा. तो जैसे अगर किसी को किसी की जासूसी करवानी है तो स्पाई वेयर के थ्रू करवाई जाएगी. जैसे हाल अभी रिसेंटली पिगासस सॉफ्टवेयर न्यूज़ में था, तो वो क्या था, वो एक स्पाई वेयर था. एडवेयर होता है जो इलीगली एड्स दिखाएगा आपको. स्केयर वेयर है जो आपको डराने का काम करेगा, ऐसा सॉफ्टवेयर है. तो कई तरह के कंप्यूटर में मैलवेयर होते हैं. लेकिन याद रखना बग में और मैलवेयर में फर्क क्या होता है, ये हमेशा याद रखना. क्वेश्चन नंबर 8, बॉर्न कन्वेंशन इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बॉर्न संधि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू होस्ट इट्स COP 13 इन 2020 इन न्यू दिल्ली. यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 इस बॉर्न संधि का होगा भारत में, नई दिल्ली में. यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं. क्यों गलत हैं? क्योंकि बॉर्न कन्वेंशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है और COP 13 भारत में हो रहा है लेकिन नई दिल्ली में नहीं हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, गांधीनगर में. तो बॉर्न कन्वेंशन क्या है, सबसे पहले ये समझो. यूपीएससी को बहुत अच्छा लगता है इस तरह के छोटे छोटे कन्वेंशन के बारे में आपसे पूछने को, तो आपको भी इन कन्वेंशन का सारा ज्ञान होना चाहिए. ये कन्वेंशन है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. माइग्रेटरी का क्या मतलब होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं उसे कहते हैं माइग्रेटरी. जैसे कि हर साल लाखों पक्षी साइबेरिया से, ठंडे प्रदेशों से, रशिया से भारत आ जाते हैं और भारत में, भारत उत्तर भारत में जो कई सारी झील हैं, फेमस झील्स हैं, उनमें आकर बैठते हैं. और अभी रिसेंटली सांभर झील में जो लाखों हजारों पक्षी मृत पाए गए थे उनमें से कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स थे. तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है इसीलिए वो माइग्रेट करके यहाँ आ जाते हैं. कई जानवर माइग्रेट करते हैं, वेल्स माइग्रेट करती हैं हज़ारों किलोमीटर के डिस्टेंस पर, कई चिड़ियाएँ माइग्रेट करती हैं, बड़ी बड़ी चिड़ियाँ तो हज़ारों किलोमीटर की जर्नीज करती हैं, शेर तक माइग्रेट करते हैं एक एक एरिया से दूसरे एरिया में. रीजन सबके अलग हो सकते हैं. कुछ जानवर प्रजनन के लिए माइग्रेट करते हैं क्योंकि कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए प्रजनन के लिए. कुछ अंडे देने के लिए माइग्रेट करते हैं, कुछ अपने नवजात बच्चों को कहीं छोड़ने के लिए माइग्रेट करते हैं. जैसे ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं तो वो हर साल बीच पर आते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें अंडों को अपने सुरक्षित रूप से बीच पर देना होता है और फिर उन अंडों से जब जो टर्टल्स, छोटे टर्टल्स निकलते हैं वो जाते हैं फिर से समुद्र में. तो कई सारे जानवर माइग्रेट करते हैं और इन माइग्रेटरी स्पीशीज़ की रक्षा करने के लिए ये संधि बनाई गई, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़. और जर्मनी का एक शहर है बॉन जहाँ पर ये साइन हुआ था, इसीलिए इसे बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं. ओके, कब हुआ था? 1979 में ये साइन हुआ था और एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1983 जब कई देशों ने इस पर साइन कर दिया. यूएनईपी के अधीन ये शुरू हुआ था. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इस संधि को लेकर आगे चलकर काम किया था काफ़ी सारा. और एज ऑफ सितंबर 2019 129 देश इस पर साइन कर चुके हैं. तो ये जो संधि है ये ओनली ग्लोबल संधि है, यूनाइटेड नेशंस बेस्ड, जो टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एवियन माइग्रेटरी तीनों की स्पीशीज पर काम करती है. यानी जमीनी स्तर पर जो माइग्रेट करे, जैसे कि अगर शेर है तो उसके लिए भी ये काम करेगी, एक्वेटिक के लिए भी काम करेगी और चिड़िया के लिए भी काम करेगी. तीनों तरह के स्पीशीज के लिए ये काम करती है. और इसका COP 13 हो रहा है 15-22 फरवरी को गांधीनगर गुजरात में. क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से पढ़ो इसे. ये बेसिक सवाल है बायोलॉजी का, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे नेक्टॉन शब्द के कारण. वेल्स एंड स्क्विड्स आर नेक्टॉन मरीन ऑर्गेनिजम्स. यानी वेल और स्क्विड नेक्टॉन तरह के स्पीशीज हैं या मरीन ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र में रहते हैं. प्लैंकटॉन्स आइदर कैन नॉट स्विम एट ऑल और कैन नॉट स्विम फास्टर देन द करंट्स. प्लैंकटॉन ऐसे जीव हैं जो समुद्र के करंट से, पानी के करंट से तेजी से नहीं तैर सकते या फिर बिल्कुल ही नहीं तैर सकते. फाइटो प्लैंकटॉन मेक ओशंस टू एक्ट एज अ कार्बन सिंक. तो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ऑल आर करेक्ट. क्योंकि इसे पढ़िए, देखिए तीन तरह के क्लासिफिकेशन में तीन तरह के जानवर होते हैं जिस डेप्थ पर वो रहते हैं उसके बेसिस पर. तो प्लैंकटॉन है वो रहते हैं समुद्र की सतह पर, ये तैर नहीं सकते और ये सतह पर रहते हैं. इसके अंदर कुछ फाइटोप्लैंकटॉन्स फोटोसिंथेसिस भी करते हैं इसीलिए वो सतह पर रहना जरूरी है. नेक्टॉन वो जानवर होते हैं जो आराम से तैर सकते हैं, जैसे बड़ी मछलियां जो हैं वो नेक्टॉन्स होती हैं. वेल, ज़्यादातर मछलियां, स्क्विड, ये सभी तैर सकते हैं, पानी के करंट के ऑपोजिट भी तैर सकते हैं. ठीक है, तो ये पानी के बहाव के साथ ऐसा नहीं कि कहीं भी चले जाएंगे, इन्हें जहां जाना होता है ये आराम से वहां पहुंच सकते हैं. तो वो कहलाते हैं जानवर नेक्टॉन. कौन से? समुद्री जीव की बात हो रही है. तीसरे होते हैं बेंथोस. बेंथोस वो होते हैं जो समुद्र के तल के पास, जो बिल्कुल बॉटम होता है समुद्र का, वहां पर रहना पसंद करते हैं. तो अगर इसमें मैप में मैं अगर बनाऊं, सोचो ये समुद्र का तल है, ठीक है, ये बेस है समुद्र का, ये पूरा पानी है. तो जो ऊपर यहां पर रह रहे हैं वो हो जाएंगे प्लैंकटॉन्स.
जो बीच में कहीं भी रह सकते हैं वो होते हैं नेक्टॉन, तो वो ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे पानी के कहीं भी तैर कर जा सकते हैं, दे आर कॉल्ड नेक्टॉन्स। और बेंथोस रहते हैं नीचे, और बेंथोस भी दो तरह के होते हैं। बेंथोस में कुछ होते हैं जो कहीं पे ज़्यादा हिलते नहीं है वहीं पर रहते हैं, और दूसरे होते हैं नेक्टोबेंथोन्स जो स्विम कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस तैर कर जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, पर वो रहेगा हमेशा समुद्र तल के पास में। ओके, तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया प्लैंकटॉन, नेक्टॉन और बेंथोस का। अब जो प्लैंकटॉन्स हैं वो तैरते रहते हैं, प्लैंकटॉन्स फ्लोट करते हैं या फिर पानी के करंट के साथ इधर उधर चले जाते हैं, इन ये स्विमिंग नहीं कर सकते और या फिर करंट से तेज नहीं तैर सकते। ज़्यादातर प्लैंकटॉन बहुत छोटे होते हैं, हमें नज़र भी नहीं आते हैं, लेकिन ये फूड चेन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप समझ लीजिए ये समुद्रों के पेड़ पौधे हैं, जैसे धरती पर पेड़ पौधे के बिना कुछ भी सपोर्ट नहीं होगा क्योंकि पेड़ पौधे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उसी तरह से ये मरीन एनवायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट लेवल पर आते हैं फूड चेन के। तो जैसे कि डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, लार्वा ऑफ मैनी मराइन एनिमल्स, ये सभी होते हैं प्लैंकटॉन्स। और प्लैंकटॉन भी दो तरह के होते हैं, फाइटो जो प्लांट लाइक हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और दूसरे होते हैं जू प्लैंकटॉन जो एनिमल की तरह हैं, यानी ये एनिमल हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे छोटे फिश के, मछलियों के लार्वा हैं, ये जू प्लैंकटॉन कहलाएंगे। तो फाइटो प्लैंकटॉन और जू प्लैंकटॉन का फर्क आपको पता होना चाहिए। अब ये कार्बन सिंक की तरह कैसे काम करते हैं, देखिए जब फाइटो प्लैंकटॉन्स की लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है तब ये समुद्र के तल में जाकर बैठ जाते हैं, तो इनके शरीर में जो कार्बन होती है वो धीरे धीरे जाकर नीचे जमा होती जा रही है, तो दिस एक्ट्स लाइक अ कार्बन सिंक। इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन को सोक करने वाला कौन सा है बॉडी, ओशंस। हाँ, दुनिया के जो हमारे ओशंस हैं, वाटर बॉडीज हैं, उसमें बड़ी मात्रा में कार्बन डिपॉजिट हो रही है, कार्बन सिंक होता जा रहा है ड्यू टू दिस जू प्लैंकटॉन्स एंड फाइटो प्लैंकटॉन्स। आज का आखिरी सवाल स्टैटिक से सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, सोशल रिफॉर्म से, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। अब आप ऑर्गेनाइजेशंस तो रट लेते हो कि कौन किसका सदस्य था, प्रार्थना समाज को किसने फाउंड किया, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा कंफ्यूज आराम से किया जा सकता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लाकर। जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड द बेथुने स्कूल एट कलकत्ता विद द मेन एम ऑफ एनकरेजिंग एजुकेशन फॉर वुमेन। कलकत्ता की बेथुने स्कूल को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्थापित किया था, इसका मेन लक्ष्य था महिलाओं की पढ़ाई। दूसरा स्टेटमेंट, प्रार्थना समाज ऑफ एम जी रनाडे वॉज एन ऑफ शूट ऑफ ब्रह्मो समाज इन इंडिया, यानी प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज की एक शाखा थी और इसे एम जी रनाडे चलाते थे। तीसरा स्टेटमेंट, केशव चंद्र सेन कैंपेन अगेंस्ट सती लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लॉ टू बैन सती बाय द देन गवर्नर जनरल, यानी कि केशव चंद्र सेन के प्रयासों के कारण भारत में, ब्रिटिश भारत में सती बैन हुआ था, सती के खिलाफ कानून लाया गया था। तो यहाँ पर केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि बेथुने स्कूल ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्थापित नहीं किया था और सती के खिलाफ केशव चंद्र सेन नहीं, राजा राम मोहन रॉय ने काम किया था। तो हमारा आंसर है ए टू ओनली। और बेथुने स्कूल जो है ये एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुने, JED बेथुने, इन्होंने स्टार्ट किया था। गवर्नर जनरल की काउंसिल में ये सीनियर मेंबर थे, तो इन्होंने एक लड़कियों के लिए स्कूल चालू किया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम था हिंदू कन्या विद्यालय, बाद में आगे चल के इसका नाम बेथुने स्कूल पड़ गया। 1849 में ये स्कूल चालू हुआ और ये स्कूल फेमस इसलिए क्योंकि उस समय लड़कियों की पढ़ाई के लिए इतने स्कूल नहीं थे, तो दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्कूल्स। और इस स्कूल से निकली हुई एक छात्रा कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर बनी। अब कई जगह आपको ये नाम मिलेगा कि भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी थी, लेकिन ये दोनों एक ही साथ बनी थी, दोनों 1886 में मेडिसिन में पास हुई थी, ग्रेजुएट हुई थी और दोनों ने प्रैक्टिस शुरू करी। तो दोनों ही सवाल, दोनों ही आंसर सही हैं, कहीं पे कादम्बिनी गांगुली मिलेगा, कहीं पे आनंदी गोपाल जोशी मिलेगा। ओके, तो ये पहली महिला डॉक्टर हैं जो वेस्टर्न मेडिसिन में, जैसे हम आज एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं, उसमें ट्रेंड थी। ठीक है, आयुर्वेदिक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आयुर्वेद तो प्रैक्टिस करने वाले हमारे देश में कई सौ सालों से, सदियों से प्रैक्टिस कर रही हैं महिलाएं, लेकिन कादम्बिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी मॉडर्न मेडिसिन में, एलोपैथिक या वेस्टर्न मेडिसिन में ट्रेन होने वाली भारत की पहली महिला डॉक्टर्स थी। राजा राम मोहन रॉय ने सती के खिलाफ काफी काम किया था और 1829 में इन्हीं के प्रयासों के कारण कंपनी एक कानून लेकर आई थी, बंगाल सती एबॉलिशन एक्ट, और जिसके कारण सती को ऑफिशियली प्रोहिबिट कर दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स के कारण आया था विडो रीमैरिज एक्ट, इन्होंने विधवाओं के लिए बहुत काम किया था और इन्हीं के प्रयासों के चलते विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया 1856 में। अब आते हैं हम एमजी रनाडे पे। महादेव गोविंद रनाडे और इनकी वाइफ रमाबाई, इन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया। 1869 में इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन चालू किया, इन्होंने कहा कि विधवाओं की फिर से शादी होनी चाहिए, और फीमेल एजुकेशन के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया, बच्चों के विवाह के खिलाफ थे, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की इन्होंने स्थापना करी,
और फिर ये जुड़ गए प्रार्थना समाज से। प्रार्थना समाज की स्थापना नहीं करी थी रनाडे ने, स्थापना करी थी आत्माराम पांडुरंग ने, और बाद में जुड़े थे एमजी रनाडे। ठीक है, कुछ साल, एक दो साल में ही जुड़ गए थे, लेकिन स्थापक नहीं थे। अब कई जगह स्थापक में भी इनका नाम आ जाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लीडर प्रार्थना समाज के रनाडे ही थे, लेकिन अगर ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग है तो इसे टिक करिएगा। फिर एक और लीडर का नाम आता है प्रार्थना समाज के साथ, वो है आरजी भंडारकर। तो इन 1870 जस्टिस रनाडे, ये बाय द वे जज थे, ठीक है, जस्टिस रनाडे ज्वाइंड दिस सोसाइटी एंड मच ऑफ द वर्क ऑफ दिस सोसाइटी वाज डन बाय द जील एंड डेडिकेशन ऑफ रनाडे ओनली। इन्हीं के अंडर में प्रार्थना समाज काफी बड़े स्तर पर काम करने लगा और ऑल इंडिया लेवल पर काम करने लगा। इनकी वाइफ पंडिता रमाबाई, ये भी महिलाओं के लिए बहुत काम करती थी। इन्होंने शारदा सदन की शुरुआत करी, जो बॉम्बे में विधवा महिलाओं के लिए काम करता था, और पूना के पास में मुक्ति नाम की एक जगह है, वहां पर भी ये शारदा सदन काम करता था। टू मेन प्लैंक्स ऑफ समाज वेर वर्शिप एंड सोशल रिफॉर्म्स। प्रार्थना समाज का मेन काम क्या था? प्रार्थना और सोशल रिफॉर्म्स। इन्होंने प्योरिटी मूवमेंट की शुरुआत करी और कहा कि पुरानी प्रथाओं को आप बंद करिए, रिवाइवल होना चाहिए, लेकिन पुरानी जो गलत प्रथाएं उन्हें बंद हो, जैसे जो नाच गर्ल्स हैं उनके खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाया, टेम्परेंस एजिटेशन, दारू पीना बंद होना चाहिए, उसके अलावा दूसरे धर्म को जो कन्वर्ट कर गए हैं हिंदुइज्म से उन्हें फिर से हिंदू धर्म में शामिल कर लेना चाहिए, और जो शादियों में खर्चे होते हैं उसे कम करना चाहिए, ये सब प्रार्थना समाज की बातें थी। इन्होंने एक आर्टिकल या फिर एक इनका पेपर भी था, अ थीस्ट्स कन्फेशन ऑफ फेथ। थीस्ट होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, तो ये एमजी रनाडे का पेपर था, ये अभी तक कहीं नहीं पूछा गया, और मुझे लगता है कि जब भी सवाल आएगा एमजी रनाडे पे, एक ऑप्शन ये भी होगा कि क्या एमजी रनाडे ने ये पेपर लिखा था, अ थीस्ट्स कन्फेशन ऑफ फेथ। इनके साथ, रनाडे के साथ दो और लोग थे, ढोंडो केशव कारवे और विष्णु शास्त्री, और इन्होंने भी विडो रीमैरिज मूवमेंट में बड़ा रोल निभाया था, और इन्होंने भी कई विधवा सदन खोले, विधवास के लिए एक पुनर्वास केंद्र खोले जहाँ पे उन्हें पढ़ाया गया, लिखाया गया, ताकि वो कुछ काम कर सकें, टीचर्स, मिडवाइफ्स या नर्सेस बन सकें। तो ये प्रार्थना समाज है, और सबसे ज़्यादा प्रार्थना समाज का इफेक्ट था महाराष्ट्र में, क्योंकि ऑब्वियसली पूना और बॉम्बे में इनका मेन काम था, लेकिन अन्य देशों, अन्य हिस्सों में भी इन्होंने काम करने की कोशिश करी थी, लेकिन स्टिल मेजर इफेक्ट जो है प्रार्थना समाज का वो महाराष्ट्र में ही था। और हाँ, ये भी याद रखना कि प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के ही इंस्पिरेशन के कारण हुई थी, जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे उसके बाद ही प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, इसीलिए वो स्टेटमेंट सही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।